अच्छा स्वास्थ्य एवं सुखद एवं पुरस्कृत जीवन की नींव माना जाता है। उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम कई देशों की जनसंख्या है, इसीलिए यहाँ मरीजों की संख्या भी अधिक है। लखनऊ में यूं तो कई बड़े अस्पताल हैं, जहाँ आज भी मरीजों के इलाज के लिए घंटों का इंतजार तो करना ही पड़ता है, साथ ही उन्हें अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जिसे इलाज करने वाले उसे अपना उद्देश्य न समझकर उसे अपनी मजबूरी समझते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि सतत सेवा भाव की बदौलत ही लोगों का विश्वास प्राप्त होता है, और ये विश्वास जिसे खरीदा नहीं जा सकता बल्कि जीता जा सकता है। इसी विश्वास को जीता है गोमती नगर विजयंत खंड स्थित चंदन हॉस्पिटल ने, जहां के डॉक्टर्स का मानना है कि हमारे अस्पताल में आया कोई भी मरीज सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारा उद्देश्य है। वो अस्पताल में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि इसका हिस्सा है। उस पर हम मेहरबानी नहीं करते बल्कि हमें सेवा का अवसर देकर वो हम पर मेहरबानी करते हैं। राज्यपाल राम नाईक द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को स्थापित होकर इतने कम समय में ही अपनी अत्याधुनिक और सतत सेवाओं की बदौलत लोगों के विश्वास को जीता है चंदन हॉस्पिटल ने। मरीजों के साथ साथ उनके अपनों के मन मस्तिष्क में एक भरोसेमंद अस्पताल के रूप में एक नाम अंकित हो गया है, जो नाम है चंदन हॉस्पिटल का, और इन सब का श्रेय जाता है इस हॉस्पिटल में अफोर्डेबल प्राइस में प्रदान की जा रही अत्याधुनिक और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सेवा को। जनहित और स्वस्थ भारत मिशन के उद्देश्य को लेकर चलने वाले अमर सिंह के दूरदृष्टा का ही परिणाम है चंदन हॉस्पिटल। आज चंदन हॉस्पिटल लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उन गिने चुने हॉस्पिटल में से एक है जिनके पास बहुविशेषता वाली अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके हर विभाग में अंतर्राष्ट्रीय और बहु प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम है, जिनका साथ देने के लिए उच्च प्रशिक्षण प्राप्त नर्सिंग टीम रात दिन मरीजों की सेवाओं के लिए कार्यरत है। यह अस्पताल अपने 8 मंजिला इमारत के साथ 1.75 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अस्पताल में 22 आईसीयू बेड्स, 10 एनआईसीयू और 4 पीआईसीयू बेड्स के अलावा कुल 300 से अधिक बेड्स उपलब्ध हैं, जिनमें 24 घंटे मिनर ओटी के साथ इमरजेंसी के लिए 10 से अधिक बेड्स भी मौजूद हैं। यूं तो चंदन ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं और आज उत्तरी भारत में सबसे तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बन गया है। चंदन ने विभिन्न स्थानों पर नए डायग्नोस्टिक केंद्रों की स्थापना की, कई मौजूदा डायग्नोस्टिक केंद्रों को अपग्रेड और पुनर्निर्मित किया है और कई नैदानिक केंद्रों में अत्याधुनिक उपकरणों को स्थापित भी किया है। चंदन अस्पताल में 200 बेड की बहुविशेषता और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अगर बात एडवांस टेक्नोलॉजी की जाए तो चंदन हॉस्पिटल की आपातकालीन इकाई में बेडसाइड मॉनिटर, वेंटिलेटर, सिरिंज पंप, जल सेक पंप, ओटी लाइट और पुनर्जीवी के लिए आवश्यक सभी जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण हैं। ईडी में आपातकालीन चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले चिकित्सा उपचार की सुविधा है। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट के साथ साथ एम्बुलेंस की 24 घंटे की होटल निगरानी और रक्तचाप की निगरानी, 24 घंटे की इमेजिंग सुविधा भी उपलब्ध है। एम्बुलेंस की ट्रैकिंग मरीज मोबाइल फोन पर चंदन केयर ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस के स्थान और आगमन के समय को ट्रैक कर सकते हैं। मरीजों को किसी भी संचार के लिए ड्राइवर का फोन नंबर भी मिलता है। इतना ही नहीं, चंदन स्पेशलिटी लैब, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, लखनऊ में सभी विशेष पैथोलॉजिक जांच के लिए एक केंद्रीय लैब है जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। ये सहायक कर्मियों के साथ साथ पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट और प्रशिक्षित मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की एक बड़ी टीम द्वारा समर्थित है। चंदन प्रतिवर्ष 10 मिलियन से अधिक परीक्षण करता है और हर साल 5 मिलियन रोगियों को गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करता है। 200 से अधिक कंसल्टेंट डॉक्टर्स की पैनल यहां मौजूद है, साथ ही उनकी मदद करने के लिए रेजिडेंट्स डॉक्टर की टीम भी उपलब्ध है, जिसकी वजह से मरीजों को रात दिन सेवाएं मिलती रहती है। लेकिन इन सब से बढ़कर
मिलेगी मरीजों को एक स्नेह भरा स्पर्श जो लाएगा एक पीड़ित या रोग मुक्त मरीज के होठों पर आशा और संतोष की मुस्कान। और यही तो ध्येय है चंदन हॉस्पिटल का। Thank you.